वीरेश कुमार। वीरेश कुमार जी, रात को एक हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ था? ये हादसा हुआ था कि तेज रफ्तार से गड्डी आ रही थी खालसा चौक से, इधर को बुगीबरा चौक की तरफ के लिए गड्डी आई। गड्डी आगे शराब के नशे में चार पांच बंदे सी गड्डी के बीच, उसमें गड्डी आगे रोड से उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो शराब के नशे में धुत सी पूरे, तो गड्डी आगे शटर से भरने के ऊपर बंदे के ऊपर चढ़ गई सी। एक बंदा और सी लाल, वो तो गड्डी के बिचाले बढ़ गया, बच गया। एक ऊपर चढ़ गया, पूरा ही ऊपर चढ़ गया, तो वो बंदा मौके थी बाधा मर गया, कहने मतलब। दो बंदे ऊपर सो रहे थे, उन्होंने खड़का सुनिया की होया, ऊपर से आए उतर के, तो उन्होंने देखा से गड्डी उनके एक के ऊपर सी, उन्होंने धक्का मार के पीछे ने किया, तो वो बंदा है का जो बंदे अंदर सी, उन्होंने धमकी भी दी सी, गंदी गंदी गालियाँ भी कड्डी सी। उन्होंने कहा सी अगर तुसी पुलिस ने कुछ भी कोई कार्रवाई करोगे तो थोड़े नू यहाँ से पंजाब छोड़ना पड़ेगा, भजा देंगे थोड़े नू भैये हो ये फलाना ढमका, ऐसे करके धमकियाँ दे जाते थे। पुटी के थे क्या? वैसे ही कुछ पता है कौन से है जी, कुछ पता लगा? असी नहीं पता था, जानते भी नहीं सी, उन्होंने ऐसे ही किया कहने मतलब। और पीछे फिर देखा सी साढ़े अपराधी तो मौत हो गई सी, पीछे देखा सी एक आवारा पशु भी मरा पाया सी। अब क्या मांग क्या कर रहे हो आप? मांग चाहते असी सानू न्याय मिल जाए जी। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम राम ब्रजेश है। राम ब्रजेश, रात को क्या हुआ था ये सारा कुछ? असी फल फ्रूट का अड्डा लाते हैं पप्पू टार वाले दे नाल, असी दुकान बढ़ा के मेरा भरा उत्थे ही सो रहा सी, असी उत्थे सो रहे सी, उन्हां दे नाल एक बंदा ये भी सो रहा सी, दो मंजे थे। तेज रफ्तार थार गाड़ी, प्राइवेट थार जीप आके मेरे भरा को भरा दे उत्ते चढ़ के गेट शटर शुटर भी बांधता, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी ड्राइवर सानू धमकी दे रहा सी। सानू क्या धमकी दे रहा था? वो कह रहा सी तुसी कोई केस कुछ नहीं करना है, असे प्रशासन साड़ा हैगा, ये पंजाब हैगा, तुसी यूपी भइए होगे, इत्थे ताड़ी नहीं चलनी, साड़ी चलनी हैगी। साड़ी यही रिक्वेस्ट है सरकार वालों, प्रशासन वालों, सारी जिन्नी भी मदद करी जावे उन्नी से उन्नी बढ़ के दी जाए। सड़क से मेरा भरा 80 फुट करीब पीछे है, दुकान के शटर के नाल सो रहा सी मेरा भरा। दुकान में शटर में भी जाके लगी है? हाँ, शटर में भी लगी है, कंध भी गिरी है, और जो टीन सेट पे है वह भी पैप तोड़ा हैगा। क्या मांग क्या कर रहे हो आप? मांग ये कह रहे हैं सरकार उनको कानून न्याय मिलना चाहिए। सर एक बिजली कर देने डे राती खासा वापर है सर, किसकी मौत हुई है कोई जानकारी सर इस बारे? वो तो बिजली का लागे एक ललतश नाम का जो प्रवासी बंदा रेहड़ी रेहड़ी का काम करता, फ्रूटों की रेहड़ी लाता सीगा, तो रात में सर नेड़े बड़ी पप्पू टहरे के कान के बाहर बने शेड के थले पै जाता सी। रात एक जीप कोई तेज रफ्तार जाई आगे कि पहले किसी पशु जी बची रोज जी सुतों गवा खोलिया, फिर जाके जिंद सुते पे तो मंजे से चढ़ गई, ये मौके से मौत हो गई। बाकी उसका परिवार आ रहा जिदा बयान उन्होंने बयान लेके जो हालात मतलब जो बनती कार्रवाई जल्दी जल्दी कार्रवाई की है। उन्होंने पर कोई गल सामने नहीं आई, कोई आई ना ही कोई सानू जिन्होंने बारे जो रेस्टोरेंट तो जो गल सामने आई तो जो लड़ी कार्रवाई की जाएगी।